लड़की के चक्कर में मर्द जाति को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, चाहे वो खुद को बर्बाद करने की बात हो चाहे वो खुद को बदलने की बात हो, हर चीज के लिए हर जगह रेडी रहता है। और ये कहानी उनमें से किसी एक की है जो प्यार को बचाने के लिए स्पाई बनने का सफर शुरू करता है। तो इस एक्शन कॉमेडी एनिमे का नाम है मिशन योजापुरा फैमिली, जो की स्प्रिंग सीजन 2024 में रिलीज हुआ और ये सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज में मिलेगा अभी के लिए फिलहाल। इससे पहले की समरे स्टार्ट करें, कुछ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मैं भी शायद हेल्प करे एनिमे को बेटर समझने में। तो सबसे पहले कैरेक्टर ताई ओसनो, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है और सून टू बी स्पाई। फिर है मुत्सुमी योजाकुरा, ताइयो की गर्लफ्रेंड सून टू बी वाइफ। अब बात करते हैं मुत्सुमी के सिबलिंग्स की। सबसे पहले मुत्सुमी का बड़ा भाई क्योचिरो योजाकुरा, गोल्ड रैंक स्पाई। फिर है उसकी सिस्टर फुताबा योजाकुरा, गोल्ड रैंक स्पाई। फिर है शिंजो योजाकुरा, गोल्ड रैंक स्पाई। फिर है शियोन योजाकुरा, सिल्वर रैंक स्पाई। फिर है केंगो योजाकुरा, सिल्वर रैंक स्पाई। फिर है ननाओ योजाकुरा, सिल्वर रैंक स्पाई। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है ताई ओसनो के साथ, जिसकी फैमिली की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, जिसमें सिर्फ अकेला वो सर्वाइव कर पाता है। अपनी फैमिली की डेथ के कारण वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है, जिससे उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन सिर्फ एक पर्सन है जिससे ये इंटरेक्ट कर पाता है, वो है इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मुत्सुमी योजाकुरा, जो कि हेड है दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई फैमिली की। मुत्सुमी का बड़ा भाई क्योचिरो योजाकुरा मुत्सुमी को लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होता है। ताइयो को मुत्सुमी के साथ देखकर क्योचिरो ताइयो को मारना चाहता है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको क्योचिरो को रिग्रेट था। वो नहीं चाहता था कि मुत्सुमी के साथ वो दोबारा हो। और यहीं से ताइयो की लाइफ में चेंज होता है, क्योंकि अगर ताइयो को सर्वाइव करना है उसे मुत्सुमी से शादी कर घर जमाई बनना पड़ेगा, मतलब योजाकुरा फैमिली ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ से ताइयो का सफर शुरू होता है पावरफुल स्पाई बनने का, ताकि अपने वाइफ मुत्सुमी को प्रोटेक्ट कर सके इस वर्ल्ड से जो उसको मारना चाहता है। इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन काफी अच्छा है। एनिमेशन के साथ साथ VFX और साउंड इफेक्ट्स भी काफी अच्छे से यूज है, जो कि एनिमेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है और ये कंसिस्टेंसी लास्ट तक मेंटेन रहता है। और बात करें इसके ओपनिंग और एंडिंग का तो ज्यादा अच्छा नहीं है, बट एनिमे की थीम के हिसाब से सही है। मिशन योजाकुरा फैमिली को डेफिनेटली एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसमें एक अच्छे एक्शन के साथ साथ एक अच्छी कॉमेडी का पैकेज है, जो डेफिनेटली मजा देके जाती है। मैंने भी इस शो को काफी एंजॉय किया, क्योंकि रोमांटिक एंगल को साइड करके उन्होंने एक्शन और कॉमेडी पे ज्यादा ध्यान दिया, जो इस एनिमे को बाकी एनिमे से काफी अलग बनाता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस एनिमे को एक बार जरूर देखो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।